Hey guys, welcome to Shripati Educational. आज भी हम देखेंगे कि हम इंट्रो को कैसे बना सकते हैं। आज मैं इंट्रो बनाने के लिए ब्लेंडर यूज कर रहा हूँ। ये एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ब्लेंडर का यूज कीजिए, तो मैं ब्लेंडर से बनाने लगा। आज हम ब्लेंडर में देखेंगे कि हम इंट्रो या टेक्स्ट एनिमेशन कैसे कर सकते हैं ब्लेंडर की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये जो आपने इंट्रो देखा था वो मैंने ब्लेंडर से ही बनाया है, तो इसी इंट्रो को हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक कैमरा मिलेगा। मैंने दोनों ही चीज़ों को यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा ऐड का ऑप्शन। ये देखिए, ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है और शॉर्टकट की भी आ रही है सी के नीचे। तो ऐड में जाकर मैं करूंगा ऐड टेक्स्ट और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब ये जेड एक्सिस से अगर मैं देखूंगा इसे, क्योंकि ये 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए हाँ यहाँ पे आपको ऊपर तीनों डायमेंशन दिख रहे हैं। ये देखिए, आप इस टेक्स्ट को हर जगह से देख सकते हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ कैमरे को प्लेस भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम टेक्स्ट एनिमेशन में कैमरे को जेड एक्सिस पे ही प्लेस करेंगे। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स दिख रहा है, अभी हमें इस लाइट के सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। सिंपली सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया। अब इस टेक्स्ट को हम जाएंगे इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर। ये ए बना हुआ है, यहीं पे आप जाके देख सकते हैं इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ पे हमने इधर पे हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर पे कर लिया है और वर्टिकली भी हमने इसे सेंटर पे कर लिया है। तो अब ये हमारा टेक्स्ट जो एक्स वाई एक्सिस है उस दोनों के बीचों बीच आने लगा है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट की सेटिंग इधर पे ख़त्म हो गई है। अब हमें टेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, अब सिंपली हमें यहाँ पे ऐड करना है एक सर्कल। तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे आप, इससे पहले हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर लें। तो एडिट करने के लिए आप एडिट मोड पे चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड से, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि टैब दबा दीजिए तो यहाँ से आप इस पे टेक्स्ट को लिख सकेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर डाल दिया है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑफसेट 0.1 कर दिया है और अब देखेंगे तो आपको ये जो है एक्सट्रूड बढ़ाने से ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है बाहर उभरा हुआ दिखने लगेगा हमें अपने प्लेन से। तो एक्सट्रूड को मैं 5.57 करीब कुछ कर दूं, या फिर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। ज़्यादा भी बाहर अच्छा नहीं लगेगा तो ज़्यादा करना बेकार है, कम ही रहने देते हैं। और यहाँ से मैंने डेप्थ भी बढ़ा दी है। डेप्थ बढ़ाने से क्या होता है कि जो शार्पनेस होती है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो काफ़ी एंड से शार्प होगा, उसमें डीपनेस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम डीपनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अब हम हमें एक सर्कल ऐड करना होगा, तो हम सर्कल ऐड कर लेते हैं। अब बस टेक्स्ट का हमें इतना ही काम करना था, अब हमें सर्कल और लाइट के ऊपर काम करना है। तो एक सर्कल ऐड कर लेते हैं, कर्व्स पे जाएंगे, कर्व्स पे जाके सर्कल ऐड कर देंगे तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उससे पहले मैंने कर्सर को बीच में ही सिलेक्ट कर दिया था। अब दो शॉर्टकट कीज आपको मैं बताऊंगा अभी, इससे पहले हम पहले लाइट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट जाएंगे, लाइट सोर्स में पॉइंट सोर्स ऐड कर देंगे। ये हमारा पॉइंट सोर्स भी ऐड हो गया। तो अभी हमारा लाइट सोर्स सिलेक्टेड है जो कि एक पॉइंट पाथ है। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज पे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज पे फॉलो पाथ। फॉलो पाथ में अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना ये सर्कल। तो अब क्या होगा कि हमारी जो लाइट है इस सर्कल के अराउंड मूव करेगी। टारगेट पे ड्रॉपर बन के आया था, उस ड्रॉपर को सिंपली सिलेक्ट किया और मैंने जाके सर्कल पर टच करा दिया, तो यहाँ से मेरा वो सर्कल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टाइमलाइन पर। टाइमलाइन पे क्या करना है हमें, टाइमलाइन पे ये हमने यहाँ पे सर्कल को बड़ा कर लिया,
कैसे बड़ा करते हैं, एस की मदद से आप सर्कल को बड़ा कर सकते हैं। एस प्रेस करेंगे वैसे ही, और अपने माउस को आप मूव करेंगे वैसे ही आपका बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से एडिट मोड पे आ गया। एडिट मोड पे आने के बाद अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के लिए यहाँ पे मूव टूल यूज़ कर लीजिए। आपको जितना पास हो सके उतना पास रखना है सर्कल को इस टेक्स्ट के अराउंड, क्योंकि हमने सिलेक्ट ऐसा किया है कि हमारी जो लाइट का सोर्स है वो इस सर्कल पे घूमेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइट जो है साइड से हमारे टेक्स्ट पे पड़े, तो एक एनिमेशन क्रिएट होगा, एक एनिमेटेड इफेक्ट क्रिएट होगा बड़ा सुंदर सा। तो ये हमने कर लिया जितना करीब हो सकता था। अब हम अपने लाइट सोर्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएंगे दोबारा से, फिर उसके बाद पॉइंट लाइट सोर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, इधर पे आपको अब फ्रेम ऐड करना होगा। ऐड ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन पे तो हमने कर चुके थे, ये इसी से ही हमने यहाँ पे जो लाइट का है वो फॉलो पाथ कराया है सर्कल के अराउंड। यहाँ पे हमने कर दिया ऐड फ्रेम, राइट क्लिक करने पर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप तो ऐड फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा दोबारा से। ये मैंने ऐड फ्रेम कर दिया ऑफसेट पे। आप ऑफसेट को 100 पे भी सेट कर सकते हैं, इससे आपको और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये जो हमारा लाइट सोर्स है वो इसके अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ पे हमारा ही कुछ इस तरीके से घूम सकता है। आप एक बार एनिमेटेड पाथ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। व्यू पोर्ट शेडिंग से आप जो एक्चुअली आपका बाद में जब आप रेंडर करेंगे इसके बाद तो जो दिखने वाला है वो आपको दिख जाएगा। मैं पहले बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वर्ल्ड मोड पे गया, मैं वर्ल्ड पे जाके मैंने बैकग्राउंड को एकदम ब्लैक कर दिया। अब यहाँ से मैं ग्रिड्स हटा देता हूँ, ये ग्रिड्स हट गई तो एक्चुअली ये ऐसे दिखेगा। अब ये देखिए बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अभी भी आप चाहें तो इसे रेंडर कर सकते हैं इसी स्टेज पर, अगर आप चाहते हैं कि बस आप इतना ही टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं या फिर यही आप इसमें इफेक्ट रखना चाहते हैं तो आप इसे अभी रेंडर कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो एडिशनल है बिल्कुल। मैं यहाँ पे जो लाइट है उसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको ये जो लाइट का पॉइंट सोर्स का जो हमने कलर चेंज कर दिया है, इसकी वजह से हमारे पूरा टेक्स्ट का ही कलर चेंज हो गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर शाइन कर रहा है हमारा पॉइंट सोर्स, तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइट सोर्स को सिलेक्ट किया और जी के साथ जेड दबा दिया। जी के साथ जेड दबाने से आप इस लाइट सोर्स को अलोंग जेड एक्सिस मूव कर सकते हैं, और अब डाउनवर्ड एरो की से मैंने इसे नीचे कर दिया। अब ऊपर जेड डायरेक्शन से देखते हैं प्ले करके, तो एकदम कॉर्नर्स पे ही वो लाइट हमारी पड़ रही है। इस लाइट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो लाइट की स्ट्रेंथ के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 वॉट लिखा हुआ, इस 10 वॉट को हम बढ़ा सकते हैं। आप कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कलर कर दीजिएगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। ये मैं इसे पावर को 100 वॉट कर देता हूं। अब प्ले करके देखते हैं, तो अब देखिए बिल्कुल कॉर्नर्स पे ही लाइट पड़ रही है, जो कि कॉर्नर्स को ही एकदम ब्राइट कर रही है, तो ये ठीक है, बहुत सही लग रहा है ये। अब हमें करना है टेक्स्ट के ऊपर शेडिंग, तो ये शेडिंग वाला पार्ट एकदम एडिशनल है, आप ना करना चाहें तो अभी भी रेंडर कर सकते हैं। तो हम अपने शेडिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब शेडिंग का टैब खुल गया है, हम जेड एक्सिस के अलोंग इसी को दोबारा से देखते हैं। चाहें तो आप जूम इन कर सकते हैं स्क्रॉल बार की मदद से, और आप सिंपली इस टेक्स्ट को जब आप यहाँ पे खींच के लेके आएंगे, पर यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पे ऑब्जेक्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे नीचे खींच कर भी ला सकते हैं, पर कई बार वो नहीं भी आता है। तो न्यू कर दिया मैंने, मटेरियल वहाँ पे सिलेक्टेड था ऊपर, तो यहाँ पे मेरा वही मटेरियल आ गया।
अब यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर आपको वही इफेक्ट चाहिए तो बिल्कुल वैसा ही करना होगा। यहाँ शेडिंग के पैनल पे भी एक ऐड बटन दे रखा है। इस ऐड बटन से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स आ सकें। और यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट दिए भी रहते हैं जो आप ऐड पे जाके टेक्स्ट पे जाके ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि वेव वाला एक आपको इफेक्ट दिया होगा तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हमारा कलर रैम्प, नॉइस टेक्सचर, मैपिंग, टेक्सचर कोऑर्डिनेट और कलर रैम्प। बहुत अच्छा अलग अलग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में मदद देता है। और मैं यहाँ पे एक मिक्स शेडर का भी यूज़ करूँगा। तो ये सब मैं जल्दी से ऐड करता हूँ और इन्हें कनेक्ट करता हूँ। आप देख लीजिए मैंने कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। बम्प और इमिशन का भी एक टैब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सबका अलग अलग फीचर है, सबका वर्किंग अलग अलग है। कुछ बेसिक करना चाहते हैं आप तो आप सीधे टेक्सचर जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो अलग अलग आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स अलग अलग आएंगे। तो ये हमारा सेटअप लगभग तैयार हो गया है। मैं आपको एक बार फाइनली मैं जो सेटिंग करूँगा आपको एक बार मैं लास्ट में दिखा दूँगा, क्योंकि सेटिंग्स जो है वो एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड से हैं। आपको यहाँ पे ट्राई करके देखना होगा कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है और अपने हिसाब से आपको वो सेट करना होगा। यहाँ पर अलग अलग जो पैनल्स दिख रहे हैं आपको शेडिंग के, ब्लेंडर में बहुत कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है सीखने के लिए कि इसकी पूरी सीरीज़ बन सकती है। पर आज हम केवल इंट्रो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने फिल्मोरा की मदद से, अडोब एनिमेट की मदद से इंट्रो देखा था। तो मैंने सोचा अब एक ब्लेंडर की मदद से भी दिखा दें, क्योंकि ऐसा आप ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्लेंडर से भी इंट्रो बना के दिखा दीजिए। तो एक ब्लेंडर से मैं इंट्रो बना रहा हूँ इसलिए। तो ये यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि इन पूरे टैब्स को, जो ये 1, 2, 3, 4 टैब्स दे रखे हैं, इन्हें कॉपी कर लीजिए। एक इमिशन का टैब रह गया था तो उसे भी मैंने ऐड कर लिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। कलर आप इमिशन में सिलेक्ट करेंगे वो आपको बाहर सरफेस पे दिख जाएगा, वो आपका टेक्स्ट इमिट करेगा। ऐसे आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो एक मैं बढ़िया सी सेटिंग बनाता हूँ। इसमें मैं एक और काम करूँगा कि अभी मेरे पास ये जो चार टैब्स हैं इन्हें मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और ऊपर मैंने इनको मूव कर दिया है, और एक टैब मैंने कलर रैम्प का भी ले लिया है, और इन सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ जो हमने शेडिंग को मिक्स करने के लिए टैब लिया था उसके साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है मिक्स शेडर के साथ। तो मैं सेट करता हूँ उसे कुछ अच्छा सा सेटिंग के लिए, और एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या सेटिंग्स मैंने की हैं यहाँ पे शेडिंग पे। इसी को फाइनलाइज करते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बहुत हो गया, अब इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी रफनेस भी देखने को मिल रही है टेक्स्ट में। तो ये फाइनल है हमारा। अब हम चल के देखते हैं कि कैसा हो गया है लेआउट पे।
और शेडिंग पोर्ट व्यू से भी आप इसे एक्चुअली कैसे देखेगा रेंडर होने के बाद वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे अच्छा सा इफेक्ट भी आ रहा है आप, क्योंकि हमने जो लाइट सेलेक्ट की थी वो भी ब्लू है और हमारा टेक्स्ट भी ब्लू है, तो इसलिए ढंग से थोड़ा सा कुछ अलग दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं कि लाइट के कलर को अलग अलग चेंज करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है, अब देखते हैं। यहाँ से मैंने ब्लूम और सिलेक्ट कर दिया है, ये सिलेक्ट करने से ये देखिए रेंडर प्रॉपर्टीज पे जाके मैंने एम्बिएंट ऑक्लूजन और ब्लूम सिलेक्ट कर दिया है। अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो इसे सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेड कलर भी ठीक लग रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इसे रेंडर कर सकते हैं। इसे स्टेज पे अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इसे रेंडर कर लीजिए और अपना टेक्स्ट, आपका ये टेक्स्ट इंट्रो तैयार है। अलग अलग कलर्स मैं यहाँ पे डाल के देख रहा हूँ, लाइट को अलग अलग कलर्स में चेंज करके देख रहा हूँ, जो सूट करेगा अपन उसे फाइनल करेंगे। अगर मैं इसका एमिशन टैब हटा दूं और यहाँ पे इसे ज्यादा कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी मैंने वहां से फुल कर दी है, तो अब देखिए आप इसमें एकदम मेटेलिक लुक आ रहा है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो स्पेक्युलर को बढ़ा के देखा हमने, मेटेलिक प्रॉपर्टी कम कर दी। अब इस इमिशन, ये इस करने की वजह से हमारा इमिशन टैब बेकार हो गया है। अगर आप वहाँ पे संतुष्ट थे, जो मैंने पहले आपसे कहा था कि आप यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं, तो आप एक वहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट एनिमेशन बन चुका है। और इसी तरीके से आप जो भी चेंजेस करते जाएंगे, अलग अलग टेक्स्ट बनते जाएंगे, अलग अलग एनिमेशंस होते जाएंगे, अलग अलग लुक आता जाएगा। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपका जो लाइट सोर्स है उसका कलर क्या है। तो यहाँ पे हमने स्पेक्युलर को बढ़ा दिया है और मेटेलिक प्रॉपर्टी 0.5 रखी है, स्पेक्युलर को भी बढ़ाया है। तो मैं अभी इससे अच्छा संतुष्ट हूँ, मैं इसे ही फाइनल कर रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे भी, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप अभी भी रेंडर कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी रेंडर करके अपना टेक्स्ट बना सकते थे। जो मैंने सेटिंग्स रखी थी वो बिल्कुल सेम थी, बस यहाँ पे अभी मैं एक ये इमिशन वाला टैब जो है यहाँ पे हमारा बेकार है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए आप कलर चेंज करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप इमिशन से चेंज करें, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आप इमिशन से इस वाले इमिशन टैब को हटा भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और लगे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे फाइनल करते हैं। और जब भी आप कभी कुछ रॉन्ग जोड़ देंगे तो ये रेड कलर की लाइन आपको बताएगी कि आपने गलत जोड़ दिया है, ये आपका इफेक्ट अब शो नहीं होगा। जो ये इमिशन टैब बेकार है इसे मैंने हटा दिया, ये सेटिंग्स में रख रहा हूं अभी फिलहाल, और यही ठीक लग रही है मेरे को। कर सकते हैं, बिल्कुल कलर डिपेंडेंट है अब हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप अभी स्टेज पे रेंडर करेंगे तो ये आपका रेंडर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कैमरा ही नहीं है। जब तक कैमरा नहीं होगा तब तक आपका रेंडर होगा ही नहीं, क्योंकि आप दिखाना क्या चाहते हैं रेंडरिंग में। तो कैमरे को आपको ऐड करना पड़ेगा और कैमरे को सेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे जो तीनों ब्लॉक्स दिख रहे हैं तीनों को ऑन कर लेता हूँ कि कैमरे में सब कैप्चर हो मेरा। हमें इसे रेंडर कैसे करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा, इस फोल्डर से आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेविंग में आप फाइल एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे और कैचे रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। फाइल फॉर्मेट में FFmpeg वीडियो सेलेक्ट कर देंगे और एनकोडिंग पे जाएंगे। अब एनकोडिंग में MPEG4 सेलेक्ट करेंगे। अभी देख लीजिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी कैमरा नहीं दिख रहा है, तो हमें कैमरा ऐड करना होगा। कैमरे को हम कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे कि हमारा जो है कि पूरा ब्लेंडर दिखने लगे। तो यहाँ मैंने MPEG4 सिलेक्ट कर दिया, अभी सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा रेंडरिंग की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप अभी रेंडर करते हैं तो रेंडर नहीं होगा,
पहले कैमरा ऐड करना होगा, क्योंकि कैमरा नहीं है यहाँ पे अभी। तो ऐड पे जाएंगे, ऐड पे कैमरा करेंगे और कैमरे को हम जल्दी से सेट करते हैं। अब आपको करना ये है कि आप सिंपली लेयर्स में से वहाँ पे जाके कैमरे को सिलेक्ट कीजिए और एस प्रेस कीजिए और अपने माउस को आप पीछे की तरफ करेंगे तो आपका ये फ्रेम बड़ा हो जाएगा। फ्रेम को उस हिसाब से सेट कीजिए कि आपका ये ऊपर दिखने लगे। फ्रेम को आप जेड एक्सेस में ऊपर लाना चाहते हैं तो जी प्लस जेड दबाइए और फ्रेम को ऊपर ले आइए। तो कैमरे का फ्रेम आपका सफिशेंटली ऊपर होना चाहिए जितना आप ऊपर करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अब बस हमें यहाँ से रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करना है, हमारी रेंडरिंग चालू हो जाएगी और ये पूरे 120 फ्रेम्स तक होगी क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 120 फ्रेम्स ही लिए हैं। रेंडरिंग होने के बाद आपको जो टेक्स्ट मिलेगा, जैसे कि अभी हमने ये वाला टेक्स्ट बनाया है, तो मैं उसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ।